It is said, nothing is boring subject, only uninterested mind. Hey, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. आज हम मैप पॉइंटिंग के कुछ ट्रिक्स जानेंगे एंड आई एम श्योर दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट फॉर योर सब्जेक्ट. तो फिर स्टार्ट करते हैं. विद इन ए मिनट यू हैव टू लुक एट ऑल दिस स्टेट एंड दैट इज श्योरली ओरली. ठीक है. एंड यू हैव टू यू नो लुक इट नॉट रैंडमली, दैट वुड बी एंटी क्लॉक वाइज. सो आई एम शोइंग यू हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर. फर्स्ट वन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, देन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला. नेक्स्ट तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी. डन. नाउ वी विल गो फॉर सेवन सिस्टर्स. And for that, very often students says, ma'am, states are very tiny, so that's why very difficult to learn. No, you are going to enjoy and I have simplified it. ये सारी state को हमने क्या किया, within a sentence, एक ही sentence में हमने ये सारे state का नाम ले लिया. ठीक है. और वो भी you know order wise. ठीक है. तो वो पहले लिख लेते हैं. जैसे क्या, आ मेघ चल, देन नाग मणि है, रामपुर में. नाउ हियर यू कैन फाइंड आउट है एंड मे. These two word we have used to, you know, to make the you know sentence complete. वो एक sentence complete करने के लिए हमने बनाया. Otherwise, देखो, आ for आसाम, मेघ for मेघालय, चल that is अरुणाचल प्रदेश, नाग नागालैंड, मणि मणिपुर, राम that मिजोरम, and पुर त्रिपुरा. ठीक है. So now here how we are going to practice. आ मेघ चल, नाग नाग मणि है, रामपुर में. तो है और में हम यू नो मैप की तरफ हाथ नहीं रखेंगे. सो वंस मोर, आ मेघ चल, नाग मणि है, रामपुर में. इट इज ओके. Okay, so in this way you have to go through every day 1 minute all this state you need to look it orally. Done first one. Now the second part, already for 9th and 10th standard NCERT has provided all this map lower that place and you need to follow the same. So in the notebook you are going to write all these states name and with that right place. Okay, so that is the second thing. Now third thing, 4 to 5 maps you need and here you are going to locate all this very carefully and you are going to stick somewhere जहाँ से क्या है ना, तुम दिन में एटलीस्ट यू नो कभी भी देख पाओ और दिन में तो 3 minutes you have to spend for that and that is for the 5 days. Out of 7 days, 5 days तुम्हें एवरी डे फॉर 3 minutes यू नीड टू ऑब्जर्व. और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है. और वो भी क्या करो कि जो 3-4 मैप्स हैं तो एक साथ यू नो सारे एक साथ मत देखा करो. सो वन बाई वन, सो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू. ठीक है. नाउ लास्ट 2 days जस्ट टेक ए फ्रेश मैप एंड अकॉर्डिंग टू योर नोटबुक जस्ट लोकेट ऑल दिस बाई पेंसिल and later on just tally with the previous one whatever already you have made. Theek hai. So in this way you can find out just within 7 days you can get a you know excellent result and definitely during exams no need to actually hum kya karte hain overnight preparation karna chahte hain and always we used to think this is very much easy so no need to put much effort but believe me
मैप पॉइंटिंग इज नॉट ओनली फॉर द मैप वर्क बट ऑल्सो द मोमेंट यू आर स्टडिंग जियोग्राफी ऑन दैट टाइम ऑल्सो इट्स नीडेड द मोमेंट योर टीचर विल बी टीचिंग नो ऑन दैट टाइम यू शुड विजुअलाइज दैट प्लेस सो देन ओनली यू विल गेट इन मीन्स इंटरेस्ट इवन यू विल अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली Okay, so that much, and after 7 days, just let me know how fruitful it is for you. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.